आप यहाँ देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2018 के संबंध में जारी किया गया है। इसके अंदर बहुत सारी पोस्टें थी, सीआरपीएफ, एनआईए, एसएसएफ, राइफलमैन्स, असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2018। तो जैसा कि आपको पता है 25/7/2018 को एसएससी जीडी के जो फॉर्म हैं भरने स्टार्ट हुए थे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 28/7/2018 को ये फॉर्म भरना बंद हो गए हैं। तो क्यों बंद हुए, इसका कारण भी आपको मैं आप बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यू टू वेरी हैवी लोड एप्लीकेशन से द न्यू वेबसाइट ऑफ कमीशन हैज बीन बिकम वेरी स्लो एंड कैंडिडेट आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन द वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इतने सारे एप्लीकेशन आए फॉर्म भरने स्टार्ट होने के बाद, इससे कि वेबसाइट बहुत ही धीमी हो गई, जिसके कारण बहुत सारे विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए इसको फॉर्म भरना बंद कर दिया गया है। तो अब बात करते हैं कि कब से कब तक आपके फॉर्म भरना बंद रहेंगे। तो 28/7/2018 से 16/8/2018 यानी 20 दिन तक आपके जो फॉर्म भरना है वो बंद रहेंगे। और इसके बाद कब से स्टार्ट होंगे ये बात करते हैं। तो 17/8/2018 से 10 AM से आपके फॉर्म भरना दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे, और इनकी जो लास्ट डेट है वो 17/9/2018 आपकी रहेगी। तो उनके बारे में बता दूं जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन द न्यू वेबसाइट आर अश्योर्ड द देयर डाटा इज सिक्योर्ड विद द कमीशन एंड दैट दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। तो जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है तो उनको दोबारा से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी के द्वारा ये जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 25 तारीख को जो स्टार्ट है फॉर्म हुए थे एसएससी जीटी के, लेकिन 28 तारीख को ये बंद कर दिए गए, क्योंकि इस पे बहुत ही ज़्यादा आवेदन आए, जिससे कि वेबसाइट हैंग हो गई, स्लो हो गई, जिससे बहुत सारे विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण 28/7/2018 से 16/8/2018 तक ये फॉर्म आपके बंद कर दिए गए हैं। अब दोबारा से 17/8/2018 10 बजे से शुरू होंगे और 17/9/2018 5 बजे तक आप ये फॉर्म भर पाएंगे। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।